पहले 2012, फिर 2014, कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले 3 साल में 2 बार आईपीएल जीता है। अब एक तरफ शाहरुख खान का उत्साह है, एनर्जी है, और दूसरी तरफ गौतम गंभीर की कप्तानी और बल्लेबाजी। गौतम है हमारे साथ लीडरशिप पर, और आईपीएल में ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? क्योंकि गौतम, बीच में तो हाल ये हो गया था कि आपके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे और टीम भी हार रही थी, बल्कि मुझे तो याद आप कॉलम्स लिख रहे थे और आपने डक को लेकर बड़ा अच्छा वाक्य लिखा कि मैं खाता भी डक हूँ, बना भी डक रहा हूँ और टीम भी हार रही थी। ये टर्न अराउंड उस वक्त ड्रेसिंग रूम में कोई बिलीव था किस तरह का टर्न अराउंड होगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब अगर आप में अपने में बिलीव ना हो तो फिर आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते। मेरे को हमेशा ये बिलीव था कि लोगों ने मेरे को पहले 4 मैचेस के बाद बहुत आई थिंक ओपिनियंस भी आती थी कि अपने आप को मिडल ऑर्डर में डाल दो या ओपन मत करो, बट मैं हमेशा ही कहता था कि मेरे को अपने फॉर्म के बारे में तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं टाइम नहीं स्पेंड करूँगा मिडल में। अगर आप देखो पहले 4 मैचेस में मैंने बॉलें कोई 12-13 बॉलें खेली, तो अब उन 12-13 बॉलों में आप असेस नहीं कर सकते कि आप किस तरीके के फॉर्म में हो जब तक कि आप 30-40 बॉलें ना खेलो। और मेरे को पता था कि ये बड़ा टूर्नामेंट है, अगर एक इनिंग की बात है, अगर वो एक इनिंग जब भी आएगी तो आई कैन टर्न इट अराउंड। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि जैसे आपने कहा कि सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर मैं अपने आप में सेल्फ बिलीव ना रखता तो आई थिंक मैं पूरी टीम पे सेल्फ बिलीव नहीं रख सकता था। और मेरा कॉन्फिडेंट होना और मेरा अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखने से ही आई थिंक वो सारी पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट करती। कदम कई बार होता है ना कि जब दोनों चीज़ों में दिक्कत आ रही हो, आप कप्तानी करते हैं तो अपनी बैटिंग के बारे में सोचते हैं, और कई बार होता है कि बैटिंग करते हैं तो कप्तानी के बारे में सोचते हैं, क्या इस तरह की दिक्कत आ रही थी? नहीं, मैंने हमेशा बिलीव किया है कि जब मैं अगर मैं कैप्टन भी हूँ लेकिन जब मैं एज अ बैट्समैन जाता हूँ, ओपन करने जाता हूँ, तो मैं उस टाइम एज अ बैट्समैन जाता हूँ। मैं ये नहीं जाता कि मैं एज अ कैप्टन बैटिंग करने जा रहा हूँ, बिकॉज पहला आपका काम है जब आप बैट लेके जाते हो, बिल्कुल, जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले काम है कि मैं अपनी टीम को कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, रन बना के दूँ और उस पोजिशन में ला के दूँ जहाँ से वो कॉन्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद अगर मेरे रन नहीं बने, जब मैं एज अ लीडर जाता हूँ, तब मैं ये सोचता हूँ कि अपने बारे में नहीं सोचता, तब मैं टीम के बारे में सोचता हूँ कि किस तरीके से लीड करनी है, बिकॉज एज अ बैट्समैन आपका डिफरेंट माइंडसेट होता है, एज अ लीडर आपका डिफरेंट माइंडसेट होता है। और एक तरह से रशियन रूले भी हो गया था यार, हार गए तो बाहर हो जाएंगे, 9 मैच आपने लगातार जीते, लेकिन सीधा मैं पहले फाइनल पे आता हूं। 200 रन बनाए सामने पंजाब ने और पंजाब रन बना रहा था, बैंगलोर में मैच था, उस वक्त दिल क्या कह रहा था आपका और टीम का कि बन जाएंगे इतने रन? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करना चाहता और अब तो वैसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, कि एक बिलीव तो था। आई थिंक जब हम इनिंग्स ब्रेक में अंदर गए तो कहीं ना कहीं एक कामनेस भी थी कि सबको लग रहा था कि हम 200 रन चेस कर देंगे। आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस टूर्नामेंट पे, बहुत लोग कहेंगे कि रॉबिन के 650 रन, मनीष पांडे के फाइनल में 95, शाकिब का कॉन्ट्रीब्यूशन, सुनील नारायण एज ऑलवेज की उसकी विकेट्स, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट था यूसुफ की वो इनिंग, जिसने आई थिंक पूरी टीम को ये बिलीव दिलाया, पहली बार हमारे को सेकंड फिनिश करवाया जिससे हमारे को 2 अपॉर्चुनिटी मिली फाइनल में पहुंचने की, और दूसरी ये कि सबको ये बिलीव करवाया कि हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि बहुत सारी टीमों को लगने लगा था कि हम चोकर्स हैं, जिस तरीके से हम राजस्थान के अगेंस्ट खेले थे, 1 रन पे हमारे 6 आउट हो गए थे, उसके बाद हर ऑपोजिशन को लग रहा था कि कुछ भी रन बनाओ केकेआर चेस नहीं कर पाएगी। दो हम चेस कर रहे थे लेकिन हमने कभी भी ऐसा टोटल चेस नहीं किया जिससे पूरी टीम को बिलीव आए कि हम कोई भी टोटल चेस कर सकते हैं। बट यूसुफ की वो नॉक जिसमें आपने 15 ओवर में 170-180 रन चेस किए और उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, तो सबको ये बिलीव था कि अब कोई भी टोटल चेस कर सकते हैं। आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था और कहीं ना कहीं बिलीव था कि हम 200 चेस कर सकते हैं। शाहरुख खान ने तो जीत के बाद कमाल है, कभी वो आकर गाने गा रहे थे, कभी वो कलाबाजियाँ कर रहे थे, अभी तक उनकी जो एनर्जी है वो उत्साह नीचे आया है या अभी भी वहीं पर हैं वो? आई थिंक शाहरुख खान बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने पहले 3 साल डिसअपॉइंटमेंट्स लिए हैं और जिस तरीके से केकेआर ने पहले 3 साल में परफॉर्म भी किए, तो अब जो भी मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ, मैं इतना ओवरबोर्ड नहीं जाता, मैं कभी इतने ज़्यादा अपने इमोशंस शो भी नहीं करता, एक्साइटमेंट शो भी नहीं करता, बिकॉज एज अ क्रिकेटर आपको पता है कि अगर आज जीते हैं तो कल आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, तो मैं अपने एक इमोशंस इंटैक्ट रखता हूँ। बट शाहरुख खान एक ऐसे हैं कि उनको पता है कि उन्होंने पहले 3 साल बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं, तो वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो अपने इमोशंस नहीं रख सकते। आई थिंक स्पेशली जब केकेआर को लेके वो अपने इमोशंस नहीं रख सकते और वो डिजर्व भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो डिजर्व नहीं करते, आई थिंक उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स भी देखी। हम बात गौतम से कर रहे हैं और बातें हो रही हैं, कहानियां और भी होंगी, लेकिन ये देख लेते हैं कि गौतम के लिए इस आईपीएल का क्या मतलब था और अब इंग्लैंड दौरा उनके लिए क्या मायने रखता है। शोहरत के शिखर पर गंभीर, खिताब भी, टीम इंडिया में वापसी भी, कप्तानी से लेकर बल्लेबाजी तक के मोर्चे पर इस जांबाज ने पासा पलट प्रदर्शन किया। इस गाने या यूं कहें कि नारे को शब्दशः सार्थक करने का काम किसी ने किया है तो वो गौतम गंभीर ही है। किंग खान की हर कश्मकश को इन्होंने ना सिर्फ दूर किया
बल्कि दूसरी बार चैंपियन बनाने का ख्वाब भी सच साबित कर दिया। गंभीर के लिए यहां तक का सफर किसी परी कथा की तरह नहीं था। मुश्किलें थी कि दूर भागने का नाम नहीं ले रही। अबू धाबी लेग में गंभीर शून्य सन्नाटे में सिकुड़े सहमे थे। लगातार तीन बार खाता नहीं खोल सके। चौथे मैच में खाता खोला मगर बस वहीं सीज हो गया। हालात उन्हें झकझोरते रहे और वो अपने भीतर के बल्लेबाज को। पांचवें मैच में कोशिश कुछ हद तक कामयाब हुई। इसी दौरान गंभीर पिता बने। घर में नन्ही परी आई। आईपीएल घर आया और लौट आया गंभीर का आत्मविश्वास। देश में हुए आईपीएल के 11 मैचों में गंभीर का बल्ला बोल उठा और गरजने लगी उनकी टीम। गंभीर का औसत सुधर गया और स्ट्राइक रेट भी। एक लीडर के तौर पर भी गंभीर ने सुर्खियां बटोरी। एक जमाने के अपने प्रतिद्वंदी राबिन उथप्पा से ओपनिंग कराने का उनका फॉर्मूला इतना कामयाब हुआ कि वो ऑरेंज कैप तक जीत ले गए। युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताने और उनके भरोसे को जगाने तक में वो अव्वल रहे। गंभीर को इसका इनाम भी मिला। 2012 के बाद पहली बार उनको भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला। अब गंभीर के सामने चुनौती है अपनी वापसी को यादगार बनाने की। आज तक ब्यूरो। गौतम, एक आईपीएल और दूसरा इंग्लैंड दौरा, ये दोनों चीजें एक साथ हुई और इससे कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कि बेटी हुई। मानते हो आप तकदीर कई बार बदल जाती है? अरे अगर आप अब आज मुझसे पूछोगे तो मेरे को बिल्कुल लगता है कि आई थिंक बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बिकॉज जब से आज़ीन हुई है आई थिंक बहुत चीज़ें बदली है। जिस तरीके से आईपीएल का टर्न अराउंड हुआ है, जिस तरीके से इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ अब कि हाँ बहुत चीज़ें बदल गई हैं। तो अब बैट तो आप थोड़े दिन पकड़ेंगे नहीं, तो वो फादरहुड निभा रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड किया पिछले 1.5 महीने जब से हुई है, बिकॉज आईपीएल में बिजी था एंड शी कुडंट ट्रैवल। तो अब यही टाइम है कि जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। आईपीएल के आपके लिए एक कमबैक प्लेटफॉर्म था, आपने सोचा कि यार आईपीएल में रन बनाकर मैं नेशनल टीम में वापस आ सकता हूँ, या आईपीएल को आपने आईपीएल ही रखा? बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया था। 2012 में भी पूछा गया था, 13 में भी और 14 में भी आईपीएल से पहले पूछा गया था कि क्या आईपीएल आपके लिए प्लेटफॉर्म है कमबैक करने का, और मैंने हमेशा अपना यही आंसर दिया कभी भी नहीं। आई थिंक आईपीएल मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें मैं केकेआर के लिए अच्छा करूं और केकेआर को जिताने की कोशिश करूं, बिकॉज वो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। बिकॉज अगर मैं ये सोचता कि आईपीएल मेरे लिए प्लेटफॉर्म है कमबैक करने का, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश मोटिव होता और अपने बारे में सोच रहा होता और अपने रन बनाने के बारे में सोच रहा होता। अगर आपका कैप्टन, अगर कोई भी कैप्टन या लीडर अपने बारे में सोच रहे, अपने रन बनाने के बारे में सोच रहे, तो वो पूरी टीम पे रिफ्लेक्ट करता है। फिर हर इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचेगा, और जब हर इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है, तो कभी टीम नहीं जीतती। आईपीएल की कहानी ऐसी कि सक्सेस, और मैं तो देख रहा हूँ आपका लगता है कि 10-15 किलो जो बाहर है वो आईपीएल में ज़्यादा होता है, वो कम हो गया है। लेकिन अब इंग्लैंड है और इंग्लैंड दौरा पिछले साल टीम के लिए अच्छा नहीं था। आपका ये तीसरा दौरा होगा अगर टेस्ट मैचेस की बात करें। गौतम, कम बैक हुआ है, मौका मिला है, हालांकि लोग ये कहते हैं जब टीम चुनी जाती है कि गौतम को तीसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर रखा गया, लेकिन लगता है कि तजुर्बे के लिहाज से शायद आप पहला टेस्ट मैच खेलें। इंग्लैंड दौरे की कुछ तैयारी, इंग्लैंड दौरे की उम्मीद? ऑनेस्टली तैयारी के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो अभी मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं, बिकॉज आईपीएल अभी ख़त्म हुई है और बहुत अनफेयर होता अगर मैं आईपीएल के टाइम पे या फाइनल या नॉकआउट प्लेऑफ के टाइम पे इंग्लैंड के बारे में सोच रहा होता। बट अब टाइम मिला तो अब मैं इंग्लैंड के बारे में सोचूंगा, तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। बट इंपॉर्टेंट दौर है, बिकॉज मैंने हमेशा ये बिलीव किया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी जो वर्ल्ड कप जीतने के बारे बाद किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट नेक्स्ट, तो मैंने ये बोला था कि, और ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे याद है मैंने पर्थ में ये बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं विनिंग टीम का मेंबर हो सकता हूँ जो ओवरसीज कंडीशन में जीते, स्पेशली टेस्ट सीरीज। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर है पर्सनली भी और फ्रॉम द टीम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अगर हम इंग्लैंड में अच्छा करते हैं तो आई थिंक उसके बाद जो दौर है ऑस्ट्रेलिया का दौर है उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग है ये अच्छा स्टार्ट करें, बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में अगर आप अच्छा स्टार्ट करते हो तो आप उस मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हो। आप हमेशा ये नहीं चाहते कि आप सडनली पहला या दूसरा टेस्ट मैच हार जाओ और उसके बाद आप किसी को चेस कर रहे हो, बिकॉज चेस करना हमेशा मुश्किल होता है। अगर आप लीड करते हो किसी भी सीरीज में तो वो ज़्यादा वो मोमेंटम आप कैरी कर सकते हो। तो एट द मोमेंट इंग्लैंड के बारे में जब सोचना प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगा तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। इंग्लैंड की टीम भी बदली है 2011 दौरे से और इंडिया की टीम भी बदली है 2011 दौरे से। क्या आपको लगता है कि 2011 में जो हुआ, देखिए बदला वगैरह तो मीडिया में चलता रहता है कि हम कहते हैं रिवेंज सीरीज होगी, बदला लेने की बात होगी, लेकिन क्या ये इवनली बैलेंस्ड सीरीज आपको दोनों टीमों के बीच दिखती है?
थिंक बिल्कुल, मेरे को हमेशा लगता है इंडिया कहीं पर भी जाती है, किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलती है, वो हमेशा ही इवनली कॉन्टेस्टेड सीरीज होगी। हाँ, बहुत लोग ये भी कहेंगे कि इंडिया बाहर नहीं जीती या बाहर हमेशा हार के आती है, बट आप देखो जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या बॉलिंग अटैक भी है, जिस तरीके की टीम है, आप किसी भी कंट्री के अगेंस्ट खिलाओगे तो इवनली मैच्ड होगी। अगर आप अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलोगे ऑब्वियसली आप हार के आओगे, लेकिन अगर आप अपने पोटेंशियल पे खेलोगे तो किसी भी ऑपोजिशन के लिए किसी भी बैकग्राउंड में या किसी भी ग्राउंड में हमारे को हराना मुश्किल रहेगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है, जैसे मैंने आपको बोला, बड़ी सीरीज में अगर आप अच्छा स्टार्ट करते हो तो वो सेट करेगा टोन पूरी सीरीज के लिए। और गौतम, जितनी देर आप बाहर थे, तकरीबन डेढ़ साल आपने इंतज़ार भी किया है दरवाज़ा खुलने का, किसी वक्त आपको ये लगा हो कि यार मेरे बाहर रहने की वजह सिर्फ रन नहीं है, कोई और वजह हो सकती है, कभी ये आया आपके मन? आई थिंक कभी भी नहीं, लेकिन कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, बिकॉज जिस तरीके से मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 बनाया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 बनाया, काउंटी क्रिकेट में 100 बनाया, कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, बट वो पार्ट एंड पार्सल है किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ का। कई बार रन नहीं भी बने जितने बनने चाहिए थे, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि जैसे मैंने हमेशा ये बिलीव किया है कि रन बनाना मेरे हाथ में है और परफॉर्म करना मेरे हाथ में, प्लेटफॉर्म इतना मैटर नहीं करता। अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ तो उधर रन बनाऊँ, अगर मैं आईपीएल खेल रहा हूँ, अगर मैं काउंटी क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो वहाँ रन बनाऊँ और जिस भी टीम के लिए खेल रहा हूँ उसको जिताऊँ। बिकॉज तब क्या होता है कि आप अपने ऊपर से प्रेशर हटाना शुरू करते हो, आप अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते, बिकॉज आपका फिर एम और मोटिव यही हो जाता है कि जिस भी टीम के लिए खेलो वहाँ रन बनाओ और उसको जिताओ, और आपकी लाइफ एज अ क्रिकेटर बहुत सिंपल हो जाती है। तो मैंने हमेशा ये बिलीव किया कि मेरा काम है रन बनाना, बाकी जो चीज़ होगी सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन मैंने ना पहले कभी सोचा था ना आगे कभी सोचूंगा। कॉन्फिडेंस तो है बिल्कुल, क्योंकि एक स्टेज था जब रन नहीं बन रहे थे, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आप और वीरू दोनों थे, उस वक्त लग रहा था कि शायद कॉन्फिडेंस गिर गया है। अब दोबारा से कॉन्फिडेंस कैसे आता है गौतम, जब आप टीम में सिलेक्ट होते हैं, माइंडसेट होता है, या जब आप वहां जाएंगे रन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा? देखो, सिलेक्शन होने न होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस हमेशा तब आता है जब आप रन बनाते हैं और जब आपको लगता है इंडिविजुअली या पर्सनली आपको लगता है कि आप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और रन बनाएंगे। जितना मर्जी मैं आपसे बातें कर लूँ कि मैंने मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने अपनी टेक्निकें चेंज करी है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, जब तक आप मिडिल में जाके रन नहीं बनाओगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दौरे पर दो मैच तो आपको मिलेंगे, बिल्कुल, तो जब तक रन नहीं बनेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना आना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अब सिलेक्शन है तो होपफुली कि स्टार्ट अच्छा कर सकूं, जब भी मौका मिले अच्छा स्टार्ट करूं और उसको कंटिन्यू कर सकूं। कदम, जैसे आपने कहा कि आपकी फिलॉसफी है कि मेरे रन बने, भले मैं क्लब के लिए बनाऊं या हिंदुस्तान के लिए बनाऊं, क्या आपका जो मंत्र है यहाँ से, क्योंकि एक वक्त जब आप एक रेगुलर थे, आप कप्तानी की बात हो रही थी, ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ आप ऑपरेट करते थे, आज गौतम गंभीर सीरीज़ बाय सीरीज़ देखते हैं या अभी भी आप अपने लिए एक गोल लेकर चलते हैं? ऑनेस्टली मैं इतना दूर देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज इतना दूर देख सीरीज़ बाय सीरीज़, और किसी भी, आई थिंक मेरे लिए नहीं, किसी भी क्रिकेटर के लिए सीरीज़ बाय सीरीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो आप सिर्फ अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, आपको नॉट इवन सीरीज़ बाय सीरीज़, आई थिंक टेस्ट मैच देखना चाहिए, मैच बाय मैच देखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आगे क्या आपके लिए इन स्टोर है। अगर आप मैच बाय मैच देखते हो, जब मैं सर्टेनिटी भी था, जब मैं वाइस कैप्टन भी था, तभी मैं ये सोचता था, मैच बाय मैच देखता था, तभी बहुत लोग कहते भी थे कि मैं बहुत अपने ऊपर प्रेशर डालता हूँ, बिकॉज मैंने हमेशा अपनी क्रिकेट उसी तरीके से खेली, मैंने ये नहीं सोचा कि अगर इस सीरीज़ में नहीं हुए तो नेक्स्ट सीरीज़ में बन जाएंगे, बिकॉज वो आई थिंक अनफेयर है। अगर आप पर मैच देखो, अगर आपको इंडिया के लिए खेलने के लिए मौका मिला तो हर मैच उतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई और मैच, तो मुझे लगता है कि मैच बाय मैच सोचना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गौतम, कहते हैं ना क्रिकेट में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप और वीरेंद्र सहवाग राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन था, और मुरली विजय शिखर धवन राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, बट अगर जिस जो आसार हमें दिखते हैं, हो सकता है कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स जो हैं वो सलामी बल्लेबाज हों, गौतम गंभीर शिखर धवन, ये क्या लेकर आता है गेंदबाजों के लिए? आई थिंक मैंने आज तक अभी तक पूरे करियर में दो लेफ्ट हैंडर्स के साथ, मैंने और किसी और लेफ्ट हैंडर इकट्ठे ओपन नहीं करी, तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि क्या लेकर आता है, लेकिन कोई भी ओपन करे, आई थिंक ओपनर्स का सबसे पहला जॉब ये है कि अच्छा स्टार्ट देना, कोई भी ओपन करे, चाहे वो दो लेफ्ट हैंडर्स करे, चाहे दो राइट हैंडर्स, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, अगर आप अच्छा स्टार्ट देते हो, अगर आप अच्छा टोन सेट करते हो टीम के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म देते हो टीम के लिए जो मिडिल ऑर्डर के लिए आसान कर सकती है सिचुएशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचो कि ओपनर्स के लिए कि ओपनर जाके 100 बनाए या 150 बनाए, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हो जाएगा, लेकिन आप किसी भी ओपनर से पूछोगे वो आपको यही कहेगा कि मेरा काम है सबसे पहले एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। गेंदबाजों के लिए मतलब दिक्कत है, क्योंकि आप दो राइट हैंडर्स को तो बॉल करते हो, आप शुरू से जब बनते हो आप इन स्विंगर हो आउट स्विंगर हो, लेकिन सामने दो लेफ्ट हैंडर्स, आपकी लाइन बिल्कुल बदल जाती है। आई थिंक बॉलर टू बॉलर डिपेंड भी करता है, कई बॉलर्स ऐसे भी हैं जो लेफ्ट हैंडर्स को डालना पसंद करते हैं, जैसे मोने मॉकल हैं, मैं अभी मोने मॉकल से बात कर रहा था, वो हमेशा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं दो लेफ्ट हैंडर्स को डालने के लिए, बिकॉज उनका वो नेचुरल एंगल है। ज़हीर खान, अगर आप मोने मॉकल को देखें, उनका नेचुरल एंगल जो बाहर जाता है वो लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा तंग करता है देन राइट हैंडर्स, तो डिपेंड करता है बॉलर टू बॉलर, ये नहीं कह सकता कि कई सारे बॉलर स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, कई इन्जॉय भी करते हैं। आप टीम में जिसमें आप जाएंगे, ड्रेसिंग रूम काफ़ी बदल चुका होगा,
क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल में ट्रांजिशन ऐसी आई इंडियन क्रिकेट में, कई नाम चले गए, आपसे पिछली जनरेशन, आपके साथ वाली जनरेशन, कई खिलाड़ी वो नहीं होंगे इस ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि क्या ड्रेसिंग रूम में क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, आप सबका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ड्रेसिंग रूम का अगर मोटिव एक ही हो कि जाके सीरीज जीतना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कितने लोग आए हैं, कितने चले भी गए, आगे भी ऐसा ही होगा। अगर लेकिन मोटिव ड्रेसिंग रूम का और सारे सपोर्ट स्टाफ का और सारे टीम मेंबर्स का एक ही है कि वहाँ जाके सीरीज जीतनी है, तो वो एक अच्छा साइन होगा रादर देन ये सोचने की कि सबके मोटिव डिफरेंट है। बिकॉज मेरे को लगता है कि एक अच्छा ड्रेसिंग रूम वही है जिसका मोटिव एक ही हो, जिसका एम एक ही हो और जिसका लक्ष्य भी एक ही हो कि हमें वहाँ जाके सीरीज जीतनी। गौतम, ख्वाहिश तो जितने करोड़ों दर्शक हैं सबकी एक है, जैसे आप मोटिव की बात कर रहे हैं कि टीम इंग्लैंड में जीते, लेकिन अगर गौतम का लकी चार्म इंग्लैंड में चला, टीम का लकी चार्म इंग्लैंड में चला, तो वो सुनहरे दिन इंडियन क्रिकेट के एक बार फिर वापस आ सकते हैं। राफेल सुल्तान और अशोक भनोट के साथ विक्रांत गुप्ता, दिल्ली आज तक।